अच्छा जी, मैं लाइव हूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा जी, आई एम लाइव ऑन माय फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। क्या हाल है आप लोगों के? टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नो योर पार्टनर। And today we will be discussing about how we can improve our relationship with our life partner. अच्छा जी, हमारे साथ कुछ लोग और आ गए तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। अच्छा जी, पर्सनैलिटी टाइप्स का रिलेशनशिप्स के अंदर भी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पर्सनैलिटी टाइप्स का रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि स्पाउस रिलेशनशिप में या मैरिटल रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जिंदगी में इंसान जितने भी फैसले करता है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन इज अबाउट योर लाइफ पार्टनर। वजह उसकी ये है कि यहाँ से एक फैमिली की बुनियाद रखी जाती है, एक नई नस्ल की बुनियाद रखी जाती है, और ये बहुत जिम्मेदारी वाली रिलेशनशिप है और बहुत ज्यादा लीडरशिप रिक्वायर होती है इस रिलेशनशिप के अंदर, दोनों तरफ से, बीवी की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से। तो पर्सनैलिटी टाइप का बहुत ज्यादा इसमें रोल है। आज भी मैं दिन में डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ था, और वहां भी हम यहाँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेट्री में, यहाँ सब लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि हम लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों में हम बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर हम उनको उनकी टाइप्स बता दें। तो मियां बीवी को अगर टाइप्स पता होंगी एक दूसरे की, तो वो बहुत बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैरिटल रिलेशनशिप में है और टाइप जहां आपकी हेल्प कर सकती है, वो ये है कि टाइप आपको खुश रहने के तरीके सिखाती है। टाइप आपको खुश रहने के तरीके सिखाती है। तो अगर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की टाइप पता होगी, तो वो उसको वो अब वो एक दूसरे को ज्यादा खुश रख सकेंगे। अगर आपको अपने पार्टनर की टाइप नहीं पता है और आप अपनी निगाह से उनको देख रहे हैं, है ना, तो उसमें ये है कि मे बी जो टाइप आपकी हो वो आपके लाइफ पार्टनर की टाइप ना हो, जो टाइप आपकी हो वो आपके लाइफ पार्टनर की टाइप ना हो, तो वहां पे फिर वो चीजें बेकार हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने और अपने लाइफ पार्टनर की टाइप्स पता हैं, तो आप अपनी टाइप को प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, और लाइफ पार्टनर को उनकी लाइफ प्रैक्टिस करने दें, और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि किन सिचुएशंस में जब आप टाइप से बाहर निकलते हैं तो वो वहां एक दूसरे की सपोर्ट आपको मिल सके। तो हम बहुत सारे घरों को बिखरने से बचा सकते हैं, बहुत सारे घरों में जो टेंशन्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं, और बहुत सारे घरों में हम खुशियां ला सकते हैं टाइप की इनसाइट से। अच्छा, मैं पहले कुछ सवालात देख लूं जो हमारे साथ आ रहे हैं। अपने शौहर की एहसास कमतरी को कैसे दूर किया जाए? भाई ये जबरदस्त बात इन्होंने की है, बौदिया बर्लस साहबा ने, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाइफ का बहुत हक होता है अपने हस्बैंड पे कि भाई सबसे पहले तो उनकी टाइप पता करें कि उनकी टाइप क्या है।
अपने हस्बैंड की टाइप पता करें और फिर उनकी टाइप के बारे में आप भी पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आपके हस्बैंड की टाइप की वैल्यू क्या है, आपके हस्बैंड की टाइप की वैल्यू क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स और ब्लाइंड एरियाज क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, क्या उनको पसंद है, क्या उनको पसंद नहीं है, ताकि फिर आप उनकी वहां हेल्प कर सकें। और फिर उनको उनकी टाइप के लिहाज से अप्रिशिएट करें, अपने हस्बैंड को अपने टाइप के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करें, डेवलप करें, ताकि उनकी सेल्फ स्टीम बिल्ट हो। कि उनकी अमूमन देखें 99% घरों में हम दूसरों को देख के अपना सेल्फ इमेज बना रहे होते हैं, दूसरे लोगों को देख के हम अपना सेल्फ इमेज बना रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हर टाइप को बहुत जबरदस्त बनाया है। तो आप अगर अपने पार्टनर की लाइफ पार्ट की टाइप जानते हैं, अच्छा ये दोनों तरफ से है, यानी मियाँ बीवी की सेल्फ स्टीम बिल्ड कर सकता है और बीवी हस्बैंड को इनकरेज कर सकती है। देखिए सबसे खतरनाक चीज ये है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को डिस्करेज ना करें। डिस्करेज देखिए किसी को भी नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करने से इंसान या क्रिटिक करने से इंसान जो है ना वो डेवलप नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव वे में बात करें। अच्छा, असद अली महमूद साहब ने पूछा है कि अपने गिफ्ट्स की परफेक्शन के बाद एक एक मुकामे खुदी का भी है जो इकबाल ने बयान किया है, उसको कैसे तलाश करें। देखिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब आप अपनी टाइप में एक्सीलेंस पे जाते हैं और आप अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने आप को पहचान के अपने रब से जुड़ जाते हैं, तो फिर और तकवे के लेवल को तकवा इख्तियार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला डेफिनेटली आपसे पूछते हैं कि बंदे तू बता तेरी रजा क्या है। तो ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, अपने आप को पहचान के आपको अल्लाह मिलते हैं, है ना, आपको अल्लाह से ताल्लुक मिलता है और अल्लाह से बातें करते हैं, तो फिर आप जब अल्लाह से बातें करते हैं तो फिर आप अल्लाह आपसे खुद पूछते हैं कि बंदे तुझे क्या चाहिए। तो ये एक बहुत ही आसान स्टेट है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बहरहाल हमें अपने आप को दरियाफ्त करके अपनी अपनी खुद शनासी को हासिल करके अपने गिफ्ट्स को डेवलप करना चाहिए। लेकिन लेकिन पहली चीज ये कि पढ़ें अपने बारे में। हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ने का कल्चर कम हो गया है, वी डोंट रीड मच अबाउट अस, हम अपने बारे में पढ़ते कम हैं। तो हमें अपने बारे में पढ़ना चाहिए। सर खुदी की तलाश का भी कोई आसान तरीका बताएं, नहीं समझ आता। देखें अपनी टाइप को डिस्कवर करके, अपनी टाइप को डिस्कवर करके अपने बारे में पढ़ें, तो फिर आपकी अपने आप से मुलाकात हो जाएगी। और अगर इसमें कोई दुश्वारी आए तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल, या किसी भी मेंटोर से रابطہ कर सकते हैं, तो वो आपको आपकी अपने आप से मुलाकात कराने में हेल्प कर देंगे। और खुदी को बुलंद करना यानी ह्यूमन डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह जाता है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे मियाँ और बीवी की रिलेशनशिप में कि हम कैसे एक देखें, एक जो सबसे बहुत ही यानी हम आसानी से जो काम कर सकते हैं वो ये कि हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। मियाँ बीवी टाइप को पहचान के, एक दूसरे की टाइप को पहचान के एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, क्योंकि टाइप आपको बता देती है कि आपके स्ट्रेसेस क्या हैं, आपके स्टिमुलेटर्स क्या हैं, आप किस फितरत के हैं और क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है। टाइप ये पूरा एक्सरे आपको दे देती है। तो बी हैप्पी एंड अपने पार्टनर को खुश रखें,
जब आप इस एटीट्यूड पे आ जाएंगे ना, तो फिर वो जो चपकलिश होती है, टेंशन होती है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर टाइप आपको हेल्प करती है कि आप डेवलपमेंट भी करें एक दूसरे की, यानी मियाँ बीवी को डेवलप करें, बीवी मियाँ को डेवलप करें, और एक ऐसी फैमिली जहां मियाँ बीवी एक दूसरे को समझते हैं, उनके उनके जो उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त माहौल में डेवलप होते हैं। और ये मैंने बहुत देखा है कि जब मियाँ बीवी में एक पहचान होती है, तो उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट उनकी होती है, और बहुत अर्ली एज में उनके बच्चे बहुत ज्यादा अचीव कर जाते हैं। और जिन मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, नहीं समझ पाते एक दूसरे को, खामखा की लड़ाइयां रहती हैं। यानी मैं आपको बताऊं, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, बहुत सारी हमारी बीमारियों की वजह हमारा डिस्टर्ब चाइल्डहुड होता है। हमारी बहुत सारी बीमारियां और कमजोरियां और वीकनेसेस की जो बुनियादी वजह है, वो हमारा डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, कि हम बचपन में डिस्टर्ब रहते हैं अपने पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो जब मियाँ बीवी में एक अच्छी रिलेशनशिप होगी, तो बच्चों को एक बेहतरीन माहौल मिलेगा डेवलप होने के लिए। तो पहले तो अपनी रिलेशनशिप बेहतर करें, फिर बच्चों को ऐसा माहौल दें, कि वो बेहतरीन माहौल में नशोनुमा पा सके। तो पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप का इफेक्ट आता है। अच्छा जी, इसके अंदर अब मैं अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, तो इंट्रोवर्टेड, देखें शादी किन से करनी चाहिए, यानी एक ये है कि शादी हो गई है, अब हमने निभानी है। एक तो ये स्टेट है कि इफ यू यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो उसमें टाइप आपको हेल्प करती है कि भाई एक दूसरे को समझें और खुश रहें और खुश रखें। अच्छा, टाइप आपको ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आपकी शादी नहीं हुई है। टाइप आपकी ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आपकी शादी नहीं हुई है। तो भाई 16 तरह के लोगों के बारे में पढ़ लें, 16 तरह के लोगों के बारे में पढ़ लें। आप लड़का है तो 16 तरह की लड़कियों के बारे में पढ़ लें, और अगर आप खातून हैं तो 16 तरह के मर्दों के बारे में पढ़ लें, और फिर अपना एक आइडियल तलाश करें कि आपको किस तरह का शौहर या किस तरह की बीवी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम वहां आती है कि जब हम शादी के बाद अपनी बीवी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या बीवी शादी के बाद अपने मियाँ को चेंज करने की कोशिश करती है, तो वो फिर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन दोनों के लिए हो जाती है, क्योंकि इंसान चेंज हो नहीं सकता। तो अगर आप शादी से पहले पहचान लेंगे एक दूसरे को, तो दो फायदे हैं। एक तो आप अपना बेस्ट टाइप, बेस्ट बेस्ट मैच ढूंढ सकते हैं। अगर बेस्ट मैच नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट अपने होने वाले मैच को, होने वाले पार्टनर को शादी से पहले पहचान सकते हैं, ताकि आपको सरप्राइजेस ना मिले ना शादी के बाद, आपकी एक स्मूथ सेलिंग हो। तो अच्छा, एक सवाल आसिफ भाई ने पूछा है कि एवेन्यूज फॉर INFP टाइप। अच्छा भाई, INFP जो है, ये NF टाइप की एक टाइप है, दे आर द ह्यूमन डेवलपर, और हीलर ये लोग कहलाते हैं, माशरे में वैल्यूज क्रूसेडर होते हैं। तो एवेन्यूज, अब मैं इसके क्या बताऊं आपको, बहुत ही नफीस और बहुत ही धीमे लोग होते हैं, और माशरे को इखलाकियात सिखाते हैं, तो इनका बड़ा एक रोल है। अच्छा जी, एक और सवाल सायका नाजिम साहबा ने, हमारी टीम लीड है, पूछा है, हाउ डज पर्सनैलिटी टाइप इनसाइट मेक द बेस्ट कपल।
देखिए, हर कपल बेस्ट होता है। देखें, हाउ इट्स नॉट के कोई चीज बेस्ट है, असल ये कि हाउ वी मेक इट बेस्ट, हम उसको बेस्ट बनाते कैसे। देखिए ना, अब आपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना होता है, मियाँ बीवी दोनों को रोल होता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं। अच्छा, इफ यू आर ऑलरेडी एन आइडियल पर्सन, तो फिर गो फॉर योर बेस्ट आइडियल, तो फिर आंखें बंद करके आप शादी ना करें। इफ यू हैव ऑलरेडी एन आइडियल, तो फिर गो फॉर दैट एंड सर्च फॉर दैट आइडियल, तो किसी की जिंदगी खराब ना करें। अगर आपके जहन में कोई पहले से बेस्ट पार्टनर की डेफिनेशन है, तो टाइप आपको बेहतरीन आंसर वहां पे दे देगी, एंड यू कैन फाइंड योर बेस्ट लाइफ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ टाइप इनसाइट। अच्छा जी, तो सायका नाजिम साहबा का जवाब यह है कि पोस्ट मैरिटल स्टेटस में भी हम टाइप की मदद से अपनी रिलेशनशिप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर शादी नहीं हुई है फिर तो बहुत ही अच्छा है। 16 टाइप्स के बारे में पढ़ें और अपने बेस्ट पार्टनर को इन्विजन करें और फिर उसको तलाश करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी वीडियोस देखकर अब मुझे लोगों को समझने में आसानी हो गई है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अभी देखें, अभी तो हम समझने की स्टेज पे हैं, इसके आगे की भी स्टेज है, हमें लोगों को डेवलप करना है। देखिए, हम ना चाहते हुए अपनों को बीमार कर देते हैं, हम ना चाहते हुए अपनों को बीमार कर देते हैं, तो एटलीस्ट टाइप समझ आ जाएगी तो हम बीमार नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे उनको, बल्कि इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को डेवलप करना है, अपने लाइफ पार्टनर को डेवलप करना है। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे को डेवलप करें, एक दूसरे को डेवलप होने दें, एक दूसरे को इनकरेज करें। जब तक समझेंगे नहीं, इनकरेज नहीं कर सकते। जब तक हम एक दूसरे को अपनी ऐनक से देखेंगे, नहीं इनकरेज कर सकते। हमें एक दूसरे को उनकी ऐनक से देखना है, हमें अपने पार्टनर को पार्टनर की निगाह से देखना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो मैरिटल लाइफ है ये बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, टाइप और टेम्परामेंट में डिफरेंस प्लीज। अच्छा भाई, आप लोग परेशान हो, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को रिसर्चर ना बनाऊं। देखिए, रिसर्चर बहुत हैं हमारे पास, देर आर मैनी PhDs और तहकीकदान, बहुत लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। हमें रिसर्चर, मेरी कोशिश है कि हम लोग चीजों को इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगियों को बेहतर करें, जीना सीखें और जीना सिखाएं। तो टेम्परामेंट जो है ये एक थ्योरी है जो कि टाइप से रिलेटेड लोगों ने दी थी, जिन्होंने टाइप पे काम किया है। तो आप इस टेम्परामेंट के चक्कर में ना पड़े, आप टाइप के अंदर टेम्परामेंट शामिल है। अगर आपको टाइप समझ में आ जाएगी तो टेम्परामेंट उसका हिस्सा है, टेम्परामेंट खुद ही आपके समझ आ जाएगा। टाइप अगर 100 है तो टेम्परामेंट 10 है या 20 है। तो अगर आपने 100 सीख लिया तो 10-20 तो उसके अंदर आ गया ना, डोंट वरी अबाउट टेम्परमेंट। अच्छा जी, टेम्परमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, मगर टाइप उससे बहुत बढ़कर है, तो उसकी फिक्र नहीं करें। आसिफ सूफी साहब फरमाते हैं, हाउ टाइप विल फैसिलिटेट चूजिंग द बेस्ट पार्टनर। भाई देखें, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको 16 तरह के लोगों के बारे में, और टाइप जो है वो टाइप से बेहतर चीज हो नहीं सकती है आपके लिए जो आपको पार्टनर चूज करने में हेल्प करे, मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि फितरत बताने वाली और कोई चीज नहीं है। और 16 ही तरह के लोग हैं, अब आप देख लें आपको किस तरह की बीवी या किस तरह का मियाँ चाहिए, तो आप वैसा मियाँ तलाश कर लें, या एटलीस्ट आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसकी टाइप पहचान लें, उसकी 5-स्टेप मॉडल से, 5-स्टेप मेथड से उसकी टाइप निकाल, ताकि और उसको पढ़ लें। हर टाइप के बारे में हमें थोड़ा बहुत मालूमात जरूर होनी चाहिए। तो
टाइप जो है हमें बहुत हेल्प करती है, बेस्ट पार्ट। अच्छा ये एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आसिफ सूफी साहब ने कि टाइप कैसे हेल्प करती है। देखिए 16 तरह के लोग हैं, चार तरह के ST होते हैं, चार तरह के SF होते हैं, चार तरह के NF और चार तरह के NT। अगर ये देखिए सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट किन के दरमियान होगा, जो चारों लेटर सेम है, चारों लेटर सेम हो, और अगर चारों लेटर फर्क होंगे तो मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो होते हैं वो सेंटर के दो लेटर होते हैं, जो कि वो कॉग्निटिव फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सेंटर के दो लेटर कॉग्निटिव फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हाउ वी आर परसीविंग एंड हाउ वी आर मेकिंग डिसीजन। तो अमूमन जो टाइप के बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप सेंटर के दो लेटर आपके सेम हैं अपने पार्टनर में और आखिर के पहले और आखिरी फर्क है, तो भी जिंदगी साथ अच्छी गुजारना आसान है। लेकिन अगर सेंटर के दो लेटर फर्क हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइजेस बढ़ जाते हैं, फिर चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं। तो टाइप आपको हेल्प करती है कि भाई आप देख लें कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उनकी क्या टाइप है और उनका एटलीस्ट सेंटर के दो लेटर क्या है, आपके क्या है और उनके क्या है। तो अगर सेम नहीं है तो फिर आप तैयार हो जाएं कि कुछ स्ट्रगल आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगी, उनको कैसे हेल्प करना है। अच्छा सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगी आसान कर दी, बहुत नवाजिश है जी। सर आप बता सकते हैं कौन सी टाइप के लिए कौन सी टाइप बेस्ट पार्टनर बन सकती है? अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब ऐसे दू कि सेंटर के दो लेटर अगर सेम होना, जैसे NF लड़की NF लड़के से शादी करे, ST लड़का या लड़की ST से शादी करे, NT से करे, SF से करे, तो सबसे ज्यादा आसान जिंदगी की उम्मीद है कि झगड़े बहुत ही कम होंगे, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये दोनों जो लेटर हैं बीच के ये कम्युनिकेशन के लेटर हैं, ये कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। तो ये अगर सेम है तो झगड़ा बहुत कम होगा, एटीट्यूड थोड़ा बहुत होगा, लाइफ स्टाइल का वो मैनेजेबल। तो बेस्ट पार्टनर की डेफिनेशन यही है कि हम अपने जैसे आदमी से शादी कर लें या अपने जैसी लड़की से शादी कर लें। अच्छा जी मुदस्सिर कियानी साहब सलाम कर रहे हैं जी, वालेकुम सलाम। तो बहरहाल भाई बहुत शुक्रिया आपके लोगों का, आप सब लोगों का कि आप लोग आज हमारे साथ रहे। एक अपनी देखें अभी भी अगर आपको अपनी बीवी की या आप खुद अगर बेगम है तो आपको अपने मियाँ की पहचान नहीं है, टाइप नहीं पता है, तो भाई सबसे पहले टाइप जान लें, मेरी कोई वीडियो देख लें उससे टाइप पता चल जाएगी, मुझसे असेसमेंट करा लें तो टाइप, कहीं से भी टाइप जान लें अपनी और अपनी लाइफ पार्टनर की, तो फिर उसको थोड़ा सा पढ़ लें, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और दुनिया भर में अब लोग टाइप से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और जो सेंटर के दो लेटर हैं ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा टाइम दें कि आप में और आपके लाइफ पार्टनर में सेंटर के दो लेटर सेम हैं या फर्क हैं, वो क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और ये हमारी वीडियो जो है ये मेरे ख्याल है कि ये लिंक्डइन फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं और जो भी सवाल हो आप दोबारा पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन में दो दफा लाइव आए, सुबह और दोपहर, आप लोगों से बहुत दुआओं की दरख्वास्त है, एक ऐसा माशरा क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां इंसान को समझा जाए, जहां इंसान को, आपको मैं आज का किस्सा सुनाऊं, आज मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी रावलपिंडी में सेशन था, मैंने पहला सवाल ये पूछा कि इंसान आसान है या इंसान मुश्किल है, इंसान आसान होते हैं या इंसान मुश्किल होते हैं।
अब देखिए सेक्रेटरीज, सीनियर सेक्रेटरीज, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल सब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा इंसान बहुत मुश्किल होते हैं। तो फिर हमने टाइप्स को डिस्कस किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी है कि उन्हीं लोगों को जिनको इंसान मुश्किल लग रहे थे टाइप समझ के इंसान आसान लगने लगे। तो यकीन करें इंसान बहुत आसान है, इंसान बहुत आसान है, उनको पहचाने, उनको समझें, उनको पहचानना बहुत आसान है, इंसानों को पहचानना बहुत आसान है। इंसान मुश्किल नहीं है, इंसान कीमती है, इंसान मुख्तलिफ है और एक वजह से मुख्तलिफ है। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।